बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से आ रही है, जहां मुस्लिम समुदाय के भाजपा बूथ अध्यक्ष को मुस्लिम कांग्रेसियों ने जमकर पीटा। भाजपा के बूथ अध्यक्ष का कहना है कि भाजपा ने हमें चार चीज मुहैया कराई है तो हम वोट बीजेपी को ही देंगे, जबकि मुस्लिम समुदाय के कांग्रेसियों का कहना था कि तुम मुस्लिम समुदाय पर कलंक हो, जिसको लेकर नईम पहलवान व जुम्मन पुत्र आजाद, कैफ हाफिज पुत्र आजाद व कई अन्य ने जावेद को जमकर पीटा। जावेद को गंभीर चोटें आई हैं, जिसको लेकर जिला अस्पताल सीतापुर में भर्ती कराया गया है। जावेद ने पुलिस को तहरीर दी है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जावेद का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने बूथ अध्यक्ष जावेद से जिला अस्पताल में मुलाकात की और कार्यवाही का आश्वासन दिया। मामला ये हुआ था 12 तारीख को आजाद पहलवान आए हुए घर पे। राज ने ये कहा कि सब लोग वोट कांग्रेस को देना, तो मेरा कहना था हम बीजेपी के अध्यक्ष हैं, हम जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे हम। तो हम लोग का वोट 13 तारीख को वोट डाल के चले आए आराम से, कुछ नहीं हुआ। 20 तारीख को हमको सब्जी बेच के ठेला बेच के आए थे हम, खड़ा कर दिया। 3 बजे टाइम पे 3 लोग आए तो नईम के लड़के 3, फिर हम उनसे मेरी हाथापाई होने के बाद भी, फिर उनके आजाद के लड़के आजाद 6-7 लोग और आ गए, 12-13 लोग उनको मिलके बहुत मारा बहुत। और वीडियो मेरे पास भी है, हमको बस इंसाफ चाहिए खाली, बस इसीलिए कि हमने बीजेपी को क्यों वोट दिया। किसने कहा? आजाद पहलवान ने। कहाँ का मामला? ये पुराना सीतापुर सेंक सुना है। क्या नाम? मोहम्मद जावेद। पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को सूचना दिया था तो दरोगा साहब ने कहा था कि इनको लेके जाइए, दीवान साहब ने आया, मेरे मेडिकल कॉलेज हुआ, आज हमको छुट्टी बोल दी गई और मुझको तकलीफ ज़्यादा है। क्या कहा अस्पताल? क्या है, तुम जाओ छुट्टी ले लो, इसमें बिल्ड बंद हो जाएगी और ना नखलों हो जाएगी, लेके जाओ। मुकदमा दर्ज हुआ? मुकदमा दर्ज हो गया है। अब क्या चाहते? अब हमको इंसाफ चाहिए, हमको जेल चाहिए।